तो आज हम लोग दोबारा से खेल रहे इंडियन बाइक एडवेंचर। और भाई जो मेरा परसों का मिशन था ना, तो भाई वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि गाइज ये वाला जो मिशन है वो लिटरली में काफी ज्यादा मुश्किल है। तो चलो गाइज आज मैं इस मिशन को करने वाला हूँ दोबारा से कम्प्लीट, और आज मैं देखने वाला हूँ क्या ये मिशन मैं कम्प्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो गाइज पूरी वीडियो को एंड देखना, और जितने ज्यादा बंदे गाइज वीडियो को देखते हैं यार उतने ज्यादा बंदे यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अरे भाई साहब गाइज तुम लोगों ने अभी भी देखा ही होगा, भाई साहब मेरी केटीएम अभी गिरने वाली थी, तो गाइज मैं गिरते गिरते बच चुका, और उसी के साथ भाई यहाँ पे ये वाला जो मतलब कुछ इस तरीके का चीज आ चुका है। भाई अभी ये तो कंटेनर भाई पूरा ही घूमने वाला है, और भाई साहब इस कंटेनर ने तो भाई मेरे को पूरा ही घुमा के वापस नीचे गिरा डाला। तो गाइज जल्दी से जल्दी अगर आप लोग इस पूरे चैलेंज को देखना चाहते हो भाई मैं इसे कैसे कंप्लीट करूंगा, तो गाइज वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर देना। और भाई ये वाला चैलेंज लिटरली मैं यार अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज तो भाई मुझे लग ही रहा है। और इसी के साथ गाइज हमारी बाइक तो ये एकदम भाई हवा के अंदर उछल के ऊपर चली गई है, और इसी के साथ भाई ये जो कंटेनर है ना कंटेनर से निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो गाइज मैं भी फुल ट्राई करने वाला हूँ कि गाइज मैं भी कंटेनर से निकल जाऊँ। ओके गाइज फाइनली भी हमारा कंटेनर भी आ चुका है, मतलब हमें एकदम बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे जाके ही निकलना पड़ेगा। तो भाई अभी दोबारा से भी कंटेनर घूम रहा है, तो गाइज ये देख सकते हो। और गाइज जल्दी से जल्दी अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा बंदे सब्सक्राइब तो कर रखे पर बेल आइकन को ऑल पे नहीं क्लिक करके रखे। तो गाइज जल्दी से जल्दी बेल वाले आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। तो गाइस अभी मैं इधर तो आ ही चुका हूँ, और भाई अभी तो भाई मेरे को बस यार एक बारी पूरा का पूरा एकदम अच्छे से मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मैं मारने वाला एक तगड़ी सी जंप। और गाइस ये गई मेरी बाइक नीचे, और भाई साहब भाई यहाँ पे गाइस तुमने तो देख लिया होगा भाई साहब लिटरली मैं अभी तो भाई मैं यहाँ पे गिरते गिरते बच चुका हूँ, जो कि यार काफ़ी खतरनाक है। और इसके बाद वाला जो चैलेंज है भाई वो तो इससे भी ज़्यादा वाला टफ है, क्योंकि यार हमें इसके लिए मिल जाती है अब हमें यहाँ पे बहुत तेजी वाली से जंप लगा लेना। ओके गाइस यार इतनी तेजी से जंप लगाने के बाद भी यार अभी भी हम लोग वापस से गिर चुके हैं, मतलब यार ये चैलेंज भाई बहुत ज्यादा मुश्किल। एक तो वो कंटेनर और उसके बाद गए डस्टबिन वाला आ जाता है ना भाई, उसको भी कंप्लीट करना तो भाई काफी ज्यादा वाला मुश्किल हो जाता है। तो गाइस यहाँ तक तो अभी हमने कर ही लिया, वो भी बस एक जंप के साथ ही, पर गाइस इसके बाद भाई पूरा का पूरा चैलेंज बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है। तो गाइस मैं वापिस से रिट्राई करने वाला, और भाई यहाँ से अभी यार मेरे को तो लग रहा था कि गाइस अभी मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ओके गाइस यहाँ से अभी यहाँ पे ये बॉक्स भी आ चुका है, तो इसी के साथ अभी मैं इस बॉक्स के साथ ही चलने वाला हूँ। और भाई साहब मेरी बाइक यहाँ पे फिसल रही है भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से। ओके गाइस मैं यहाँ से अभी जंप करने वाला हूँ, क्या लगता है मैं अभी जंप लगा पाऊंगा? तो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो पर लाइक कर देना। और गाइस ये लगी है मेरी जंप, और भाई फाइनली तुम्हारा भाई अभी यहाँ पे सेकेंड स्टेज पर आ चुका है। तो गाइस जल्दी से जल्दी नीचे कॉमेंट कर दो क्या मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाऊंगा, और गाइस अभी के भी लाइक भी कर देना यार। और गाइस फाइनली हमें यहाँ पे आ चुके हैं डस्टबिन, जिसको अभी हमें पार करना पड़ेगा। ओके गाइस फाइनली तुम लोग तो देख ही सकते हो भाई यहाँ पे अभी, ओ भाई ओ गाइस 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 भाई यहाँ से डस्टबिन बहुत मुश्किल है लिटरली में यार, डस्टबिन को पार करना अभी फिलहाल के लिए। ओ भाई भाई मेरी बाइक फंस चुकी है गाइस, मेरी बाइक फंस चुकी है, और अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ एक बारी। ओके गाइस मेरी बाइक तो फंस चुकी थी, और मैं यहाँ से अभी बिल्कुल आराम आराम से अपने पैर आगे की तरफ बढ़ा रहा था। और भाई साहब कितना मुश्किल चैलेंज है भाई ये, भाई अभी तो मेरे को ये लगता है कि गाइस मेरे को इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी गाइस नीचे कमेंट पे ओपी लिख दो, और गाइस अभी भी मैं इस वाले चैलेंज को करने का मैं ट्राई तो कर ही रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ पे मेरी पहली जंप लग चुकी है, और उसी के साथ गाइस अभी हम लोग इस पहले वाले यहाँ पे मतलब स्टंट के अंदर पहुँच चुके हैं, जिसको हमें इस कंटेनर वाइप फिर डस्टबिन, ये जो दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो लेट्स गो गाइस, तुम्हारे भाई ने अभी दोबारा से एक बार यहाँ पे अपनी बाइक चला ली है वो भी एकदम फुल स्पीड में, और गाइस अभी यहाँ पे मैं इस तरफ तो आ ही चुका हूँ, और गाइस मेरे को पता लग चुका है कि अभी वो वाला जो है उस तरफ से थोड़ा सा जाना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अभी मैं इस तरफ से ट्राई करने वाला हूँ क्या मैं इस तरफ से जा सकता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे अभी ये डस्टबिन वाला जो खेल है वो लिटरली में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैंने डस्टबिन, ओके ओके गाइस नहीं भाई नहीं, बाइक पीछे लेते हैं भाई बाइक, लेट्स गो भाई साहब। यार तुम लोग लाइक के बटन पे क्लिक कर दो यार इसी बात के लिए। और गाइस अभी हम लोग चाहूँ तो भाई मैं यहाँ से डायरेक्ट सामने की तरफ चला जाऊँ, पर भाई मेरे को तो लग नहीं रहा कि हम लोग डायरेक्ट सामने की तरफ से हमें जाना चाहिए, क्योंकि यार देखो वहाँ पे ना मेरे को लगता है कोई ना कोई तो दीवार ऐसी खड़ी हुई है जिससे हम लोग अगर सामने की तरफ जंप करेंगे तो हम लोग शायद से गिर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे अभी हम लोग इस वाले चैलेंज को कर रहे हैं, तो अगर आपको भी नए नए चैलेंजेस करना है तो गाइस नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ भी नए नए चैलेंजेस करने वाला हूँ। तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, और भाई यहाँ से अभी
मेरे को अपनी बाइक है जो कि यहाँ से आराम से मोड़ लेनी चाहिए। और भाई इसी के साथ गाइस मैंने ये जो अपना पहला वाला पड़ा हुआ है भाई यहाँ पे मैंने तो बस उसे कंप्लीट कर ही लिया। इसी के साथ गाइस बस बस ओ भाई सब भाई अभी तो गाइस भाई मैं लिटरली में यार वापिस से गिरते गिरते ही बच चुका हूँ। और यहाँ पे गाइस अभी बारी आती है बस इससे कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि यार ये जो चीज़ है ना वो और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है स्टंट को। लेट्स गो गाइस, हम लोग फाइनली इधर तक तो आ चुके हैं। तुम लोग देख सकते हो भाई साहब मेरी बाइक इस पतले से एरिया के अंदर चल रही है, तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और गाइस इसी के साथ तुम्हारे भाई ने भी पहन लिया हेलमेट, क्योंकि अब हमें इस वाले पड़ाव को भी पार करना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, मैं थोड़ी सी स्पीड से मैं अपनी बाइक को पीछे लेने का, और भाई साहब नहीं आगे लेते हैं भाई, अभी मुझे अपनी बाइक को आगे लेना पड़ेगा। तो गाइस लेट्स गो यार, अभी मैं अपनी बाइक को ना ही पीछे ले सकता हूँ ना ही आगे, अभी तो भाई मरने का टाइम आ ही चुका है यार। अभी हम लोग पूरा ट्राई करते हैं, लेट्स गो भाई साहब, अभी यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। और अभी फाइनली मेरे को लगता है हमें एक बारी जंप मार लेनी चाहिए, और जंप के साथ भाई अभी मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ। तो भाई अभी मैं वापस से इस मैच को रिस्टार्ट नहीं करने वाला, अभी तुम्हारा भाई एक और अपना शातिर दिमाग लगाने वाला है। क्यों ना गाइस हम लोग इस मैच को यहीं से कंप्लीट करें। ओके गाइस, मैंने 320 नंबर डायल कर दिया, जिसके अंदर हमें एक जेट सूट मिल जाएगा, और जेट सूट की मदद से मैं भी इसके ऊपर वापस से जाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने जेट सूट को निकाल लिया है, और इस जेट सूट की मदद से तो गाइस मैं इस वाले रैम को यहाँ से मैं इतना तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओके गाइस, मैंने इस वाले रैम को यहाँ तक भाई मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यार भाई यहाँ पे देखो भाई मैं नीचे गिर गया था, उसके लिए मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ। पर गाइस कोई बात नहीं यार, अभी हमें वहाँ से वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए अभी अपने ट्रॉन बाइक बुला लेता हूँ, क्योंकि भाई KTM मैंने बहुत चला ली, अभी चलाएंगे तुम्हारी भाई पावरफुल बाइक। तो गाइस जल्दी से जल्दी आप लोग इस वाली बाइक का नाम नीचे एक चीट कोड भी कमेंट कर देना, नाम भी। और यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ अपने स्टंट को कंप्लीट करने के लिए। भाई थोड़ी सी चीटिंग मैंने कर दी है, पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा भाई बिल्कुल यार आराम आराम से गाइस हमारे जो सारे चैलेंजेस है वो लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं गाइस यहाँ पे एयरपोर्ट की तरफ में, और हम लोग एयरपोर्ट से भी आगे जाने वाले हैं। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो मैं चीटिंग ना करूँ, तो आप लोग नीचे जाके कमेंट भी कर दिया करो। और भाई मेरे को तो लगा ऊपर बिल्कुल खाली है, पर गाइस ऊपर बिल्कुल खाली नहीं था, अभी हमें इस कंटेनर को पार करना पड़ेगा। तो लेट्स गो भाई साहब, अभी हमें कंटेनर भी मिलने वाला है। ओके गाइस यहाँ पे मैं आ ही चुका हूँ, और भाई कंटेनर भी थोड़ा धीरे धीरे उस नीचे की तरफ तो जा ही रहा। और भाई ये तो ना बड़ा ट्री कब से आ गया गाइस हमारे, मेरे को तो हमें पता ही नहीं चला कि गाइस हमारे शहर के अंदर इतना बड़ा पेड़ कब से उग चुका है। और गाइस यहाँ से अब हमें बहुत दूर वाली जंप लगानी पड़ेगी, और गाइस आई थिंक लगता है अभी हमें इसके ऊपर चलना है। भाई ये तो भाई साहब ओपी होने वाला है गाइस, जल्दी से जल्दी भाई तुम लोग देख सकते हो यार भाई लिटरली में यार अभी मैं इस पूरे के पूरे यहाँ पे आराम आराम से गाइस यहाँ पे इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके गाइस यहाँ पे तब तो मैं आ ही चुका हूँ, और भाई इसी के साथ भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल बीच में देखते हुए, और यहाँ पे मेरा पहला पड़ा हुआ है वो जो है भाई वो कंप्लीट हो चुका है। और भाई अभी तो बस सेकंड वाला भी मेरे को तो बस थोड़ा बहुत आसानी लगता है, और इसी के साथ भाई मैंने इसे भी कंप्लीट करने का मैंने ट्राई कर रहा हूँ। ओके गाइस जल्दी से जल्दी भाई, ओ भाई भाई यहाँ पे अब भी भाई ब्रेक 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 भाई ब्रेक के साथ अभी कुछ भी कर लो, अभी मेरे को लगता है अभी हमें हमारा जो है क्या बोलते हैं जाने का टाइम आ चुका है। और गाइस लाइक कर देना ये चैलेंज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, आप लोग फटाफट इसे शेयर भी कर दो, और क्योंकि हम लोग इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाए इसलिए गाइस मैं बता देता हूँ कि हम लोग इस चैलेंज को एक और बारी यहाँ पे से हम लोग चीटिंग करने वाले। यहाँ पे मैंने 330 चीट कोड नंबर डायल कर दिया, और इसी के साथ अभी हमें मिल जाती है एक जेट सूट, और मैं इस जेट सूट को पहन के ऊपर की तरफ उड़ने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे को इस चैलेंज तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो गाइस लेट्स गो, अभी हम लोग जहां पे गिरे थे मैंने वहां से अपनी जेट सूट को मंगा लिया है, और अभी जेट सूट के बाद तो गाइस यहां पे मैंने अपनी जेट सूट को मुड़ा लिया है और इस तरफ, और भाई यहां से मैं अपने जेट सूट को बस इस वाले रैंप के अंदर उतारने वाला हूं, क्योंकि यार क्योंकि हमारी जो बाइक है वो तुम लोग देख सकते हो बस थोड़ा सा ही आगे गई है, तो गाइस ये कुछ ज्यादा ही उतर गया। ओके गाइस अभी तो लैंड करने का टाइम हो चुका है, और हमने कर लिया है फाइनली लैंड। और भाई यहां पे मैंने वापस से 6000 चीट कोड को डायल कर लिया, और भाई मैंने दो ही चीटिंग किया, मतलब भाई देखो दो चीटिंग का तो मौका मिलना ही चाहिए। और गाइस इसी के साथ यहाँ पे मैं अपनी बाइक को लेके आ चुका हूँ, और भाई यहाँ से अपनी बाइक जाएगी आराम से नीचे की तरफ, और भाई लेट्स गो हमारा मोड होता है कंप्लीट। और गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि नई नई वीडियो मिलती रहती है।
हाँ।